Hi viewers, you are watching New World Collection. I am Robin Kumar Singh. This is a collection of everything relating to anything. तो guys, आज हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के बारे में, जिसकी उद्घोषणा रिसेंट में हुई है। पहले हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार एक पुरस्कार है जो स्वीडिश वैज्ञानिक, जो कि एक केमिस्ट थे, जो इंजीनियर भी थे, जो एक इन्वेंटर भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे, उनके नाम पे दिया जाता है। और ये चार क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और साहित्य, लिटरेचर, इट मीन्स लिटरेचर्स, शांति, पीस एंड मेडिसिन, चार क्षेत्र में दिया जाता है। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी आल्सो। इसका सारा प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन स्वीडन में होता है, एक्सेप्ट नॉर्वे, मतलब नॉर्वे पीस प्राइस, एक्सेप्ट पीस प्राइस जो कि नॉर्वे में होता है, पीस प्राइस जो कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्वे में होता है। और प्रथम बार यह 1901 में दिया गया था, आज से लगभग 119 साल पहले। तो दोस्तों, हमने जाना कि नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि अब की बार नोबेल पीस प्राइज, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया और किस काम के लिए दिया गया, किस महान काम के लिए दिया गया। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नए वीडियो, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरे वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन है, वो आपको आसानी से पहुंच सके। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है 2020 नोबेल शांति पुरस्कार, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम मीन्स वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, जो भूखमरी मिटाने तथा खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। विश्व भर में आपात स्थितियों में इसका काम यह देखना है कि ज़रूरतमंदों तथा खाद्य सामग्री पहुँचे, ज़रूरतमंदों को तक खाद्य सामग्री पहुँचे, विशेषकर गृह युद्ध तथा आपदा में। अब की बार भूखमरी के खिलाफ इसने बहुत ही अच्छा प्रभावी नीति बनाई और विवादित जगहों जैसे येमेन, जो कि वैश्विक भूखमरी निर्देशांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार प्रथम स्थान पर है, चाड जो येमेन के बाद आता है, इन सभी जगहों पर काफ़ी योगदान दिया तथा अनवरत गतिशील रही। इसमें एक लाइन मेंशन था, हंगर एज ए वेपन का जहाँ इस्तेमाल होता था, जैसे कि भूखमरी से कोई बच्चे, कोई गरीब जो भूखमरी के शिकार थे और मरते थे खाने के लिए, तो उनको कोई सेठ या कोई पैसे वाला उनकी पेट भरता था और उनको अलग अलग प्रकार के काम देता था, और उनको खाना खिलाता था, खाना खिलाने के बदले उनसे काम कराता था। इसके खिलाफ विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत अनवरत प्रयास किया और इन सभी मुद्दों को काफ़ी हद तक सुलझाया है, जिसके लिए विश्व शांति पुरस्कार 2020 इसे नवाजा गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।